हेलो एवरीवन, माय नेम इज लिपिका मंडो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हेयर मास्क के बारे में बताऊंगी जो कि होने वाला है हिबिस्कस से। आयुर्वेदा में हिबिस्कस के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, कैसे हम इसको हेयर केयर में यूज करके यू नो हेयर को स्ट्रोंग बना सकते हैं, इचीनेस को कम कर सकते हैं, डैंड्रफ को खत्म कर सकते हैं, हेयर फॉल को, प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, मैं उसको खुद यूज करती हूँ, इवन मेरे माँ भी उसको यूज करती है और उनका फीडबैक मैं लेती हूँ। जो भी रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ वो DIY है, वो सर्टेन मिराकल कभी नहीं दिखा पाएगा। आपके अंदर थोड़ा प्रेजेंस होना ही चाहिए वो काम करने के लिए। आई होप मेरी जो बात है उसको आप पॉजिटिव वे में लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं यहाँ पर हिबिस्कस पाउडर ले रहा हूँ मेरे माँ के हेयर लेंथ के अनुसार। हिबिस्कस रिच इन विटामिन सी होते हैं जो डैंड्रफ इचिंग को क्योर करने में हेल्प करेगा, प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर हेयर फॉल को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। 1.5 टेबल स्पून कस्टर ऑयल, कस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ होने में हेल्प करता है। ये यूज करने से स्प्लिट एंड्स भी कम हो जाता है। दही, पोल्यूशन और हीट के वजह से जो हेयर डैमेज हो जाता है, रफ हो जाता है, उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। एक डीप कंडीशनर की तरह काम करेगा जो हेयर को स्मूथ, सिल्की, शाइन बनाएगा, डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है, इचिनेस को ख़त्म करेगा। एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है जिसके अंदर लम्स ना रहे। मैं बालों को थोड़ा सा गीला कर रही हूँ अप्लाई करने से पहले। स्कैल्प ऑयली है, इन केस में आप बेसन यूज कर सकते हैं 1 टेबल स्पून, और जो मैं कैस्टर ऑयल बताया था 1.5 टीस्पून ऐड करने के लिए, तो आप उसको अप डाउन कर सकते हैं। अपने बालों में इसको मत यूज करें। इसको यूज करने के बाद आप इसको 1 घंटे तक रखें, देन आप नॉर्मल पानी से उसको धो लें। शैम्पू करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।